हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? और स्वागत है सबका बायजूस एग्जाम प्रेप गेट और ईएससी प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज का ये सेशन है जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वो 10 सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो आप किसी भी आईटी के अंदर जाओगे और जनरली वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो वो पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप किसी आईटी के अंदर दोस्त जाते हैं तो यहाँ पर 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है, मतलब प्रोसेस है जिसके थ्रू वो आपको किसी भी ब्रांच स्पेसिफिक में आपको लेते हैं। जिसमें पहला है, आपको गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्कोर के बेसिस पे। सेकंड है, जस्ट उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको वो ब्रांच दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। सो एवरीवन, प्रदीप, हेलो प्रदीप, हाउ आर यू? वेरी लेस पीपल आर अटेंडिंग द सेशन, सो हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीवन प्लीज शेयर अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल ज्वाइन द सेशन। जितने भी लोग हैं एक बार अपने शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के। अच्छा जी, सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। मेरा नाम चंदन झा है, आई हैव 11 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने मास्टर्स कर रखा है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में, मैंने इसरो एग्जाम को भी क्वालिफाई कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग आई एम ऑल्सो टेकिंग द मोटिवेशनल, मैं 200 से ज्यादा मोटिवेशनल सेशन ले चुका हूँ वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंक्लूडिंग NITs और कुछ IITs के अंदर भी मैं सेमिनार ले चुका हूँ। मैंने गेट एग्जाम जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ विद द 2-digit रैंक, विद द ऑल इंडिया रैंक 23, ऑल इंडिया रैंक 26। हेलो जॉन, प्रदीप, चंकी, ओके। और ये मेरे कुछ एरिया ऑफ एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। देखो दोस्तों, अब आगे सेशन को बढ़ाते, देखिए जब भी कभी आप कभी इंट्रोड्यूस होंगे IITs के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले गेट के स्कोर के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कहीं कहीं पर खुद का, जैसे ISC में आप जाओगे तो खुद का रिटर्न भी हो जाता है, अदरवाइज डायरेक्टली आपके पास इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद सीधा आपके पास क्या हो जाता है, आपको MTech के लिए आपका एडमिशन हो जाता है। ये कुछ प्रोसेस रहता है। कहीं कहीं गेट के बाद, क्योंकि कैंडिडेट अगर ज्यादा वो कॉल कर लेते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि गेट स्कोर के बाद सीधा आपके पास आपको ब्रांच अलॉट हो जाता है। इट विल टोटली डिपेंड्स, ये कुछ आपके पास प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। हेलो पुनीत, हाउ आर यू बेटा? जॉन, अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली जो पूछा जाता है कि आप क्यों IIT के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, मास्टर्स से अगर आप कोई ब्रांच लेते हो या कोई आप स्पेसिफिक ब्रांच लेते हैं, तो क्वेश्चन पिछली बार स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा कंफर्ट जोन के लिए आपको थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आप IIT के अंदर जो ये स्पेसिफिक IIT के अंदर यही ब्रांच क्यों लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अब ये मत समझना कि क्यों पूछेगा IIT क्यों, तो आप पता चला भावुक हो गए और कोटा फैक्ट्री वाला आप एकदम डायलॉग लगा रहे हो कि सर IIT टफ है और टफ को फाइट करने में कॉन्फिडेंस आता है। वहां पर ऐसे कुछ डायलॉग नहीं चलेंगे, वहां पर आपको जेन्युइनली बताना पड़ेगा रिसर्च से रिगार्डिंग। वो आपका क्वेश्चन कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप VLSI के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप VLSI ब्रांच क्यों चूज कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका किस तरीके का इंटरेस्ट है। अगर आप कम्युनिकेशन ब्रांच लेते हैं तो आपको बताना होगा कि आपने कम्युनिकेशन ब्रांच ही क्यों चूज किया है, आपका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में भी स्पेसिफिक किस एरिया के लिए है, ताकि आप इस ब्रांच के अंदर MTech करना चाह रहे हो। तो आप जिस भी ब्रांच के अंदर अपना मास्टर्स करने जा रहे हो, आपको उस ब्रांच के बारे में पता बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आप क्यों उस ब्रांच के चूज कर रहे हो। किसी ने ऐसा नहीं कि सर मेरा तो गेट स्कोर ही 500 आया था, सर मेरा 500 गेट स्कोर आया था, मैंने चंदन सर से पूछा कौन सा मिलेगा, उन्होंने बताया कम्युनिकेशन मिलेगा, मैंने यही भर दिया सर वहां पे। आपको बताना पड़ेगा कम्युनिकेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं और आपका इंटरेस्ट किस एस्पेक्ट में है और वो उस IIT के अंदर क्यों बेस्ट है और किस वजह से आपने उस ब्रांच को चूज किया है। तो आपको कुछ इस तरीके के, मतलब किसी भी IIT में इंटरव्यू देने से पहले उसके ब्रांच से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी और कि किस किस तरीके के रिसर्च किए गए हैं, किस तरीके का काम होता है उस ब्रांच में, क्या चीजें चलती, वो सारी चीजें आपको लेनी होगी। अगर किसी को हेल्प की जरूरत होगी कुछ ब्रांच के अंदर तो मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। इवन दो कुछ स्टूडेंट मेरे वहां पर ऑलरेडी MTech कर रहे हैं, हम उनसे भी मैं आपको मिला सकता हूँ या बात करवा सकता हूँ जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। गेट एस्पिरेंट, सर गेट स्कोर 760 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच कैटेगरी, कैन आई गेट द SST बिल? डेफिनेटली इन मुंबई मिल सकता है गेट एस्पिरेंट 760 इंस्ट्रूमेंटेशन में। आपका गेट स्कोर तो देखिए इतना नहीं है पर फिर भी मिलने के चांसेज है पूरा कुछ, और प्लेसमेंट अच्छा है, VLSI के कंपेरिजन में इतना अच्छा नहीं है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का, पर फिर भी अच्छा है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी अच्छा है। 3-4 साल पहले, मतलब रिसेंटली इसको 2015 आई थिंक ओपन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है, आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जॉन बलाम, सर आई एम ECE स्टूडेंट बट आई गॉट 50 मार्क्स इन द इंस्ट्रूमेंटेशन,
एंड ईसी 40 मार्क्स, इज एनी पॉसिबल इन वीएलएसआई एडमिशन फॉर आईआईटीज? डेफिनेटली जॉन, एनआईटी डेफिनेटली यू विल गेट द एनआईटीज, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि इन द ईसी 40 मार्क्स यू विल गेट द गुड गेट स्कोर एज कंपेयर टू 50 मार्क्स इन टू द इंस्ट्रूमेंटेशन. जब आएगा तब एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी यू विल गेट अ गुड गेट स्कोर इन द 40 मार्क्स इन द ईसी एज कंपेयर टू 50 मार्क्स इन टू द इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट? देवांश सर, 61 मार्क्स इन द ईसी गेट. अरे देवांश बेटा आग लगा दिए हो यार, डेफिनेटली ओल्ड आईटी में मिलेगा यार, डेफिनेटली मिलेगा, मतलब शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, और मुबारक हो इस चीज के लिए आपको, डेफिनेटली मिलेगा. सर मैं आपसे बात करना था पुनित उस दिन. पुनित यार देखो उस दिन नहीं हो पाई होगी अपनी बात, मैं अभी इस सेशन के जस्ट बाद अपन कनेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. इन 69.33 मार्क्स इन ई, 69.33 मार्क्स इतने हाई प्रोफाइल मार्क्स नहीं है इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, पर रैंक अच्छी आएगी, आईआईटी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जाएगा. दूसरा क्वेश्चन कितनी बार मजे लेने के लिए आपसे बुक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि आपने जैसे कोई सब्जेक्ट बताया कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊं, या आपसे पूछा कि पांच सब्जेक्ट में पढ़ाऊं, तो वो आपसे ये पूछ लेंगे कि ये पांच सब्जेक्ट कौन से बुक से पढ़े हो. फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने बोला मैं कम्युनिकेशन पढ़ाऊं, तो आपसे पूछेगा अच्छा कम्युनिकेशन कौन से बुक से पढ़े हो, तो आपको वहां पे बुक्स के नाम बताने पड़ेंगे कि सर मैंने कौन से बुक से पढ़े. आपने बीपी लाठी से पढ़ा है, कि आपने आपने साइमन हैकिंग से पढ़ा है, राइट, या आपने प्रॉकिस से पढ़ा है. आपको बताना पड़ेगा, बुक के नाम आपको पता होने चाहिए कि किस बुक से आपने पढ़ा है वो सारी चीजें, राइट? तो कितनी बार, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि मैंने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा, सिग्नल एंड सिस्टम का डिस्कशन चल रहा है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिग्नल सिस्टम आपने कौन से बुक से प्रिपेयर किया, राइट? तो वहां पर आपको ये बताना होगा कि सिग्नल सिस्टम मैंने प्रिपेयर किया सर, कहां से प्रिपेयर किया, ओपेनहेम विलिस्की आपने पढ़ा है, या सिग्नल सिस्टम का ही बीपी लाठी पढ़ा है, या सिग्नल सिस्टम का ही प्रॉकिस पढ़ा है. आपने कौन सी बुक पढ़ी है सिग्नल सिस्टम की, वो आपको पूरा बताना पड़ेगा, या फिर आपने तरुण कुमार पढ़ा है, आपको बताना पड़ेगा किस बुक से आपने सब्जेक्ट को कवर किया. 70 अगर माय मार्क्स इन 70 गेट स्प्रिंट, अगर 75 मार्क्स है तो आपका 740 कैसे आ रहा है? गेट स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, 800 के अराउंड होना चाहिए था आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में. एक बार गेट का रिजल्ट आने दो, क्योंकि अभी आप मुझे पता है कि आप रैंक प्रिडिक्टर से देख रहे होंगे, तो रैंक प्रिडिक्टर में इतना भी जनरली नहीं आता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट उसके ऊपर अप्लाई किए. एक्चुअल तो आपको है, वो आपको पता है चली जाएगा मार्च के अंदर, लगभग 15-16 मार्च 17 मार्च के आसपास आपको आइडिया लग जाएगा, राइट? देवान शुभता सर, विच ब्रांच इज बेस्ट आफ्टर वीएलएसआई अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट फॉर द ईसी? आफ्टर द वीएलएसआई सॉलिड स्टेट अच्छा है, यू विल गेट द सॉलिड स्टेट इज गुड. वीएलएसआई अगर नहीं मिल रहा है तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द बेटर ऑप्शन इफ यू आर नॉट गेटिंग द वील, बट डोंट थिंक फॉर द सेकेंड ऑप्शन, डेफिनेटली यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन ओनली. आपको फर्स्ट ही मिलेगा, 100% टॉप आईआईटीज के अंदर आपको वीएलएसआई ब्रांच मिल जाएगा, 61 मार्क्स ईसी के अंदर डेफिनेटली मिलेगा. देवांश सेकेंड थॉट तो आपको लेके ही नहीं आना है कि नहीं? तो बुक्स के नाम आप जरूर याद रखिएगा, कि नॉन टेक्निकल के अंदर आपके पास कोई सी ब्रांच आप क्यों ले रहे हो, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए. सेकंड वन, कौन सी बुक से आपने प्रिपेयर किया उस सब्जेक्ट को, तो अपने सारे सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक, अब ऐसे नहीं लोकल राइटर की बुक या फिर लोकल बुक बता रहे हो कि वो आपके इंटरव्यूअर आपके ऊपर हंस दे. कुछ बुक ऐसे नाम बताने हैं जो वाकई आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, और जो गेट की प्रिपरेशन करते हो तो कंसेप्ट आपके अच्छे होते हैं, आप आंसर दे दोगे उसके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, राइट? तो ये मैंने कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करी, राइट? कुछ आपके बारे में पूछ ले सकते हैं, कि आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की जा सकती है, कि बीटेक में आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए. बहुत रेयरली पूछा जाता है, पर जनरली पूछ भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सर विच ब्रांच इज बेस्ट आफ्टर द वीएलएसआई अकॉर्डिंग टू, बताया ना आपको, ठीक है? ओके, उसके बाद पहला क्वेश्चन आपके पास, देखो अब फिर से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, तो एमटेक का जो इंटरव्यू है ना, ये डिपार्टमेंट वाइज चेंज होता है. अगर आप वीएलएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालॉग और ईडीसी से रिगार्डिंग मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अगर आप कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है, तो कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो सिग्नल एंड सिस्टम, कम्युनिकेशन, राइट, ऑप्टिकल फाइबर, इनसे सेटेलाइट, राडार, वेव प्रोपोगेशन, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? अगर आपने कंट्रोल एंड ऑटोमेशन पूछा है, लगा, तो आपको कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम, इन दोनों के मर्ज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? नेटवर्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो किस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस बेसिस पे आपके इंटरव्यू, किस डिपार्टमेंट के लिए एक्चुअली आपने अप्लाई किया, उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं. बट फिर भी मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चंस की बात करता रहा हूं. सो यू हैव नॉट शेयर्ड द नोट्स एलईडी एंड ऑप्टिकल, ओके यार चेंकी, मैंने पीपीटी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा अभी आपको, कोई दिक्कत नहीं, राइट?
अच्छा देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप। आपको पता होना चाहिए लैचेज तो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सिक्वेंशियल सर्किट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, लैचेज। जबकि अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, लैचेज के कंट्रोल्ड लैचेस और लैचेस विद अ कंट्रोल फिनोमेना आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। इसकी अगर बात करोगे तो ये लेवल सेंसिटिव होते हैं, जबकि इसकी बात करोगे तो ये क्या होते हैं, ये एज सेंसिटिव होते हैं, एज सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब जब भी आप इनपुट अप्लाई करते हो उसी लेवल पर ये काम करना शुरू कर देते हैं, पर यहां पर क्लॉक का एज आना जरूरी है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये मोटा मोटी कुछ लैचेज और फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछ लेगा। लैचेज का जब आया तो बोल लेगा आप बेसिक मेमोरी एलिमेंट है तो कैसे बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ये भी पूछा जा सकता है, इसके ट्रुथ टेबल से रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, इसके ट्रुथ टेबल से पूछा जा सकता है, बोल सकता है कि इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि आप इसको फ्लिप फ्लॉप में बना सकते हो, कैसे एज ट्रिगरिंग कर सकते हो उस लेवल को। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लैचेज और फ्लिप फ्लॉप से रिगार्डिंग, राइट। 75 आयन एंड 64.3 ईसी विच चूज फॉर द एमटेक, डेफिनेटली 64.33 गेटेस्ट करंट, 64.33 मार्क्स यू विल गेट रैंक, मे बी इन द इंस्ट्रूमेंटेशन यू विल गेट द गुड रैंक, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में अच्छा रैंक मिलेगा, बट ईसी में रैंक भी ठीक ठाक होगी और गेट स्कोर आपका बहुत ही अच्छा होगा एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जब आएगा तब आप खुद ही समझ जाओगे ये चीज कि अगर आपके 75 में अगर आपके 780 या 800 रैंक गेट स्कोर आ रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो 64.33 में ही आपका लगभग 850 के आसपास आपका गेट स्कोर होगा ईसी के अंदर, इवन 900 भी टच हो सकता है ईसी के अंदर, राइट। रैंक प्रिडिक्टर इज शोइंग मोर गेट स्कोर इन आयन देन ईसी, नो गेट स्प्रेंट, ये अभी हो सकता है क्योंकि ईसी में कम लोगों ने उसके रैंक प्रिडिक्टर के ऊपर रैंक चेक किया होगा, इन द कमिंग फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट मोर, राइट। क्योंकि आप ऐसे सोच कर सकते हो ना, थोड़ा पेपर का भी देखो ना, ईसी का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल वो ज्यादा अच्छा था, तो ऑफकोर्स आपकी रैंक 64.33 में ज्यादा आएगी, और आपने कहां चेक किया ये भी थोड़ा आइडिया लगेगा, तो टेंशन मत लो इस चीज के लिए, राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों एनालॉग से रिगार्डिंग, की वाई क्यू पॉइंट इज सेट एट द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। आपको पता है कि अगर ये आपके पास एक्टिव रीजन और सेचुरेशन में होता है, ये आपके पास है, तो यहां पर मिडिल में आप क्या करते हो, क्यू पॉइंट को सेट करते हो। क्यू पॉइंट को इस मिडिल में क्यों सेट किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है एनालॉग के अंदर, ये क्वेश्चन पूछना कि क्यों आप एक्टिव रीजन के मिडिल के अंदर ही क्यू पॉइंट को सेट करते हो। तो उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि सर जब कभी हम इनपुट देते, क्योंकि आपको पता है कि इधर की तरफ जो रीजन है वो सेचुरेशन का आ जाता है, इधर की तरफ रीजन जो आता है किसका, कट ऑफ का आ जाता है। तो जब आप इनपुट अप्लाई करते हो दोस्तों, जब आप इनपुट अप्लाई करते हो तो इनपुट के अंदर जो वेरिएशंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वेरिएशंस नेगेटिव भी हो सकता है। देवांश एब्सोल्युटली करेक्ट, जो वेरिएशंस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव वेरिएशंस उसको सेचुरेशन की तरफ ले जाता है और नेगेटिव वेरिएशंस उसको कट ऑफ की तरफ ले जाता है, और इसी वजह से हम उसको मिडिल में सेट करते हैं कि वो एक प्रॉपर वेरिएशन प्रोवाइड करे इन एक्टिव रीजन, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। और इसी वजह से आपको हम क्या करते हैं, क्यू पॉइंट को हमेशा किस पे सेट किया जाता है, एक्टिव रीजन के मिडिल के अंदर सेट किया जाता है, राइट, टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। डेफिनेटली देवांश, राइट, हाउ इज द लेवल ऑफ द पेपर कंपेयर टू देवांश, थोड़ा सा 2021 के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो एमएसक्यू के आने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था, अदरवाइज अगर एमएसक्यू नहीं होता तो सिमिलर ही पेपर होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि पिछली बार अगर आप ईसी के पेपर की बात करोगे तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन कंट्रोल का आया तो 3 इजी आ गया, 1 टफ आ गया, 5 क्वेश्चन सिग्नल क्या है तो 3 इजी आ गए, 2 बिल्कुल टफ आ गए या मीडियम लेवल के आ गए, ऐसा पिछली बार का पेपर था। हर सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन भी थे और टफ क्वेश्चन भी थे। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट के आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और 4 बन रहे हैं, 1 नहीं बन रहे, तो आपको लगता है वो सब्जेक्ट इजी है। तो पिछली बार नॉर्मल पेपर को लोगों को लगा था लेंदी जरूर है पर क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। इस बार का क्वेश्चन था कि कंट्रोल के अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 इजी थे, सिग्नल के 4 क्वेश्चन आए 4 इजी थे, राइट। खाली कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी के सारा ही पेपर इजी था, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आ गया था ये आप कह सकते हो, वो भी 2-3 को 2 क्वेश्चन लेंदी आ गए थे, अदरवाइज क्वेश्चन का पेपर का वैसा ही था सिंपल। तो मे बी, और एमएसक्यू हो गया तो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया वहां पर, और घबरा गया तो थोड़ी सी उसने गलती कर दी, इसलिए लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अच्छी उम्मीद आने के चांसेस है इसी में, राइट। एमटेक में इंटरव्यू होगा, नहीं, सभी ब्रांच में नहीं, जैसे सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरव्यू नहीं होता, सीधा एडमिशन होता है, राइट। अगर आप टॉपर से अंदर 100 हैं
तो आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट ओके. तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाई क्यू पॉइंट इज सेट टू द मिडिल, क्योंकि आपको यह बताना जरूरी है कि जो इनपुट आप अप्लाई करते हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वेरिएशन उसमें नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव वेरिएशन सेचुरेशन की तरफ ले जाता है, नेगेटिव वेरिएशन कट ऑफ की तरफ ले जाता है. तो हम चाहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेरिएशन को वो क्या करे, वो एनालाइज करे, और इसी वजह से हम उसको कहां पर रखते हैं, मिडिल के अंदर क्यू पॉइंट को सेट किया जाता है. तो एक सेकंड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है. इन द केस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, इन द केस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन द ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज ए. अब आपको पता है या तो वो लो पास की तरह काम करता है या फिर हाई पास की तरह काम करता है. तो क्या मुझे कोई आंसर बता सकता है इसका? सर इसके क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करोगे दोस्तों तो देखो कुछ इस तरीके का बनता है. गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, राइट. गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आप ग्राफ स्केच करते हो दोस्तों इसका, तो गेन वर्सेस इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, राइट. एम्पलीफायर का गेन कुछ इस तरीके से, बिल्कुल. यहां आपकी बात करते हो लो फ्रीक्वेंसी की और यहां पे आप बात करते हो किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी की. तो आप अगर दोस्तों अगर आप एनालाइज करोगे, ओ सॉरी, अगर आप एनालाइज करोगे तो आप ये फील करोगे कि सर किस रीजन में पूछा, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में. तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये किसकी तरह काम कर रहा है, देखो यहां एट्यूनेशन हो रहा है और यहां गेन प्रोवाइड कर रहा है, यहां एट्यूनेट कर रहा है और यहां गेन प्रोवाइड कर रहा है, यहां एट्यूनेट कर रहा है यहां गेन प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर है. तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है, जबकि अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ ले यहां तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा चल रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो एट्यूनेशन आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो क्या हो रहा है, पास कर रहा है. इसका मतलब इधर की अगर बात करोगे तो लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव करता है, सर हाई पास फिल्टर की तरह, और हाई फ्रीक्वेंसी में किसकी तरह बिहेव करता है, सर लो पास फिल्टर की तरह. ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जनरली पूछे जाते हैं, राइट क्वेश्चन. अगर यही चीज फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोडे प्लॉट एंड द नाइक्विस्ट प्लॉट. बड़ा सिंपल सा स्टेट, और जो नए आते जा रहे हैं वो लाइक करते जाना यार सेशन को, लाइक तो लाइक ही नहीं कर रहे लोग, खाली सुनते जा रहे हैं, राइट. शेयर द सेशन, लाइक इट, राइट, बहुत ही बढ़िया. पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा बच्चे यार, मतलब आप लोगों के लिए कितना हम कितना एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है. देखिए क्वेश्चन बताया जा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है, तब भी बच्चे पता नहीं क्यों डिसअपॉइंट होकर बैठ गए, राइट. ऐश्वर्या सर इसरो क्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड बुक लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए. नहीं यार ऐश्वर्या देखो, अगर लाइन टू लाइन तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, तभी एग्जाम निकाला ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. हाँ कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जिसके बारे में आपको प्रिपेयर करना जरूरी है, वो आप अगर कर लोगे तो इजीली निकाल दोगे, राइट ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट. देखो पहली चीज, जो बोडे प्लॉट है वो सिर्फ आपको कौन सी स्टेबिलिटी बताता है दोस्तों, बोडे प्लॉट सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी, हाँ रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए काम आता है, सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है कौन, बोडे प्लॉट. जबकि अगर आप नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करोगे तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी प्लस एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी दोनों ही बताता है. ये रिलेटिव स्टेबिलिटी और ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी दोनों ही बताता है. बोडे प्लॉट जो है इसकी अगर बात की जाओ तो इसको हम बोल सकते हैं ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट है, एसिम्प्टोटिक प्लॉट है. जबकि अगर आप नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करते हो तो ये एक पोलर प्लॉट है, मतलब ये क्लोज प्लॉट है, ये मैग्नीट्यूड वर्सेस, राइट, मैग्नीट्यूड वर्सेस और विद एंगल, मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा, यानी मैग्नीट्यूड विद एंगल ग्राफ स्केच करते हो. जबकि यहां पर दो ग्राफ स्केच किया जाता है, कौन कौन सा सर, एक मैग्नीट्यूड वर्सेज डीवी का और एक एंगल वर्सेज ओमेगा, मतलब मैग्नीट्यूड वर्सेज लॉग ओमेगा का और एक एंगल वर्सेस ओमेगा का, ये दो चीजें ग्राफ आपके पास स्केच की जाती है. अच्छा ये थोड़ा सा फास्ट अप्रोच है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का आप इजीली एनालाइज कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती है, राइट. अच्छा जी मेनली मोटा मोटी अगर बात की जाए तो यही डिफरेंस होता है बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर. एक चीज और, ये क्लोज्ड प्लॉट नहीं है, जबकि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है,
राइट। तो ये कुछ मोटा मोटी आपसे पूछेगा बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है। बोडे प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वेरी करता है, जबकि अगर आप नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करोगे तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेरिएशन होता है, क्योंकि जब आप प्लॉट करते हो ना इसको तो पूरे नाइक्विस्ट रीजन को आप प्लॉट करते हो। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ऑल आर बेसिकली वेरिएशन। ये मैपिंग टेक्निक है, जबकि ये मैपिंग टेक्निक नहीं है। तो आप पुट करते हो आप उसकी वैल्यू को, ओमेगा को वेरी करवाते हैं और प्लॉट करते हैं, जबकि ये मैपिंग टेक्निक है। इस पूरे ग्राफ को नाइक्विस्ट रीजन को आप इसके अंदर मैप करते हो, राइट। तो ये कुछ मोटा मोटी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द बोडे प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट, या फिर नाइक्विस्ट और पोलर के बारे में पूछ लेता है। पोलर में सिर्फ इसी पार्ट को आप प्लॉट करते हो, मैप करते हो, जबकि नाइक्विस्ट के अंदर एक क्लोज कर्व बनता है। पोलर इज नॉट ए क्लोज कर्व, जबकि नाइक्विस्ट इज ऑलवेज अ क्लोज कर्व, राइट। बहुत ही बढ़िया। 40 आशु सर, आई एम गेटिंग 41.33 इन ईसी, कैन आई एक्सपेक्ट द एमएस इंटरव्यू, कैन आईआईटी इन वीएलएसआई डोमेन। यार देखो, 41.33 न्यू आईआईटी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। एमएस के लिए जरूर थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, मतलब लो जाता है, तो आपके पास चांसेस बन सकते हैं, बट इसके अभी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार रिजल्ट आने दीजिए आशु, तब मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक एक आपके बच्चों का मार्क्स लेकर उसको एनालिसिस करके मैं पूरा गाइड करूंगा कि कहां से आपको कौन सी ब्रांच में आपको स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर आपको लेना चाहिए और वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती, राइट। ओके अच्छा जी, फिफ्थ तरीके का क्वेश्चन हम यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप। अब देखो ये बड़ा सिंपल है, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको दूसरों से थोड़ा अलग बनाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप सिस्टम एंड द क्लोज लूप सिस्टम, अब ये सबको पता है कि सर ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होती, जबकि क्लोज लूप में फीडबैक होती। अब जो आप दे रहे हो वो सभी आंसर देंगे, उसके बाद बताते हैं कि ओपन लूप जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है, क्लोज लूप जो होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता है। दो का बात है, ओपन लूप जो है वो रिलायबल नहीं होता है, सॉरी ये स्टेबल, ओके ओपन लूप जो होता है वो रिलायबल नहीं होता है, जबकि क्लोज लूप जो होता है वो रिलायबल होता है। ये जो आप बताओगे ये सब बताएंगे, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, सर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा क्या? सर बिल्कुल अमित होगा, पर अभी जो है वो एमटेक के हिसाब से मैंने 10 क्लासेस के बारे में मैंने बताया। अगर आप किसी आईटी स्पेसिफिक इंटरव्यू की बात की जाए तो मैं ऐसा सेशन जरूर प्लान कर सकता हूं कि एक पर्टिकुलर आईटी का ले लिया, जैसे 7 IITs हैं, आपने आईटी मुंबई का ले लिया, उस आईटी के मुंबई में हर एक ब्रांच के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, किस तरीके का माहौल उस ब्रांच में, ये सारा अपन डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। आशु सर प्लीज शेयर इन द इंग्लिश, सर आई एम फ्रॉम द साउथ इंडिया। ओके आशु, डेफिनेटली राइट। ओके सो गाइस, बट दैट डेफिनेशन विल बी फॉर द ऑल द पीपल, राइट, आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द सेम डेफिनेशन। वो जो है वो सब लोग ऐसे ही डेफिनेशन देंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपन लूप सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच द लोकेशन ऑफ पोल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम डोमेन पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। सो अगर टाइम डोमेन पैरामीटर को आप वेरी करते हो तो लोकेशन ऑफ पोल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए ओपन लूप पोल सिस्टम। वेयर इज इन द क्लोज लूप सिस्टम द लोकेशन ऑफ पोल इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टाइम डोमेन पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। सो इफ यू डू द वेरिएशन इन द टाइम डोमेन पैरामीटर, द लोकेशन ऑफ पोल इज ऑल्सो गोइंग टू बी मूव, एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए क्लोज लूप सिस्टम। अमित सुजीत राबी सर, क्लोज लूप सिस्टम इज लेस सेंसिटिव पैरामीटर वेरिएशन देन आउट। यस डेफिनेटली सुजीत, डेफिनेटली। हाँ एक्सटर्नली अगर इन बात करोगे इंटरनल पैरामीटर वेरिएशन बिल्कुल ओके नहीं, क्लोज लूप सिस्टम में तो वो डिपेंड करता है। क्लोज लूप सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच द क्लोज लूप सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच द लोकेशन ऑफ पोल विल डिपेंड्स ऑन द टाइम डोमेन पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। सो अगर आप टाइम डोमेन पैरामीटर मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब टाइम डोमेन पैरामीटर है, अगर इसको आप चेंज करते हो तो लोकेशन ऑफ पोल भी चेंज होता है, इसी को अपन बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम, राइट। अमित यस, ओबीसी कैटेगरी और जनरल का लगभग बात बराबर ही, अमित हल्का सा डिफरेंस जाता है, ज्यादा नहीं जाता है, राइट। ओके नेक्स्ट, व्हाट शुड डू यू मीन बाय द कॉन्वोल्यूशन एंड द कोरिलेशन। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है या क्या समझते हो आप। तो कॉन्वोल्यूशन किसी भी एलटीआई सिस्टम का, सपोज दिस इज अ कॉल्ड एलटीआई सिस्टम एंड इफ यू हैव अप्लाइड द एफ ऑफ टी एंड दिस इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए एच ऑफ टी एंड यू विल गेट द वाई ऑफ टी। सो यहां से एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूट विद एच ऑफ टी, एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूट विद एच ऑफ टी, ये आपके पास कॉन्वोल्यूशन बनता है, राइट। अगर एफ ऑफ टी और एच ऑफ टी का मतलब, कॉन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल टूल, कॉन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल टूल विच विल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स ऑफ द एनी एलटीआई सिस्टम। वो किसी भी एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सर देवान सर, टू स्टडी द सीमोस
इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फॉर आईआईटीज इंटरव्यू विच सोर्स आई शुड फॉलो। यार इसी बात पे देवांश, देखो मैं आपको बताता हूँ, वीएलएसआई के लिए अगर खाली आपको सीमोस पढ़ना है तो आई हैव एक्सीलेंट बुक, ये थोड़ी सी रैक में रखी हुई है, ये दिखाता हूँ आपको। आपने पूछा सारी चीज़ें, आप लोगों के सॉल्यूशन जो है ना वो मैं अपने साथ ही रखता हूँ। ये टाटा मैग्रिल की एक बुक है देवांश, ये है आपके पास, एक है ये सांगमो कैंग की, राइट, ये बुक दिखाई दे रहा होगा, कैंग नाम से बुक है, ऑथर का नाम भी देख लो, राइट, ये बुक है। इस बुक को आप, मैं लास्ट में अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो, ये एक एक्सीलेंट बुक मिल जाती है। और इवन अगर आप वीएलएसआई में जाओगे ना तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर इसी बुक को पढ़ाया जाएगा, राइट, आईटी के अंदर भी। ओके, यस सुरजीत, सो गाइस, अरे कहां गया, अरे अरे आगे बढ़ गया यार। सो ये बताया जाता है, जबकि अगर कोई एफ ऑफ टी है और जी ऑफ टी है, कोरिलेशन बताता है उनके बीच में सिमिलरिटीज को, सिमिलरिटीज को रिस्पॉन्स किया जाता है किसके अंदर, आपके पास सिमिलरिटीज को रिस्पॉन्स करता है कौन, कोरिलेशन। और कोरिलेशन अगर आप कैलकुलेट करते हो, कोरिलेशन आर एक्स आर एफ और जी के बीच में, तो ये कुछ नहीं, ये आपके पास सिंपल एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूट विद जी ऑफ माइनस टी। तो ये आपके पास सिमिलरिटीज, डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज को बताने की कोशिश करता है कौन, कोरिलेशन, जबकि कॉन्वोल्यूशन जो है वो आपको रिस्पॉन्स बताने की कोशिश करता है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल देवांश। सर इन द आईटी कैन, यस देखो बहुत सारे बच्चे करते भी और एग्जाम निकालते भी, आई नो द सेवरल ऑफ द पीपल हु हैव टेकन द एडमिशन इन टू द आईटी दिल्ली, स्पेसिफिकली आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, हु हैज टेकन द एडमिशन इन टू द आईटी दिल्ली एंड इन बिटवीन दैट दे हैव क्लियर द ईएससी एग्जाम एंड देन दे हैव जॉइन द ईएससी ऑल्सो, राइट, बहुत ही बढ़िया। तो कॉन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन में डिफरेंस पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है, तो यार देखो पीएसडी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बताता है कि एनर्जी और पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट बैंडविड्थ, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट बैंडविड्थ, पर यूनिट बैंडविड्थ में कितना पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग, इट इज जस्ट ए पीएसडी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, राइट, नोट ईएससी, ओके यूपीएससी। यार यूपीएससी मैंने ऐसे तो स्टूडेंट से मिला हूं या ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एएस निकाला पर वो कॉलेज के साथ ही निकाला, उनका ड्रीम ही अलग था। हाँ कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानता हूं जिन्होंने ईएससी क्रैक किया, आफ्टर दैट वन ईयर्स का जॉब मतलब छुट्टी ली, अप्लाई करी, उन्होंने एएस की प्रिपरेशन की और इलेक्ट्रिकल से उन्होंने एएस का एग्जाम निकाला, राइट, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, ऑलरेडी वो ईएस क्लियर कर चुके थे, ईएस के बाद उन्होंने लीव लेके आए, प्रिपेयर किया और आईएएस का एग्जाम क्लियर किया। बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, यस सुजीत, जैसे इसका क्या मतलब है कि सर अगर मान लीजिए कोई एक्स ऑफ टी है, इस एक्स ऑफ टी का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो ये एक्स ऑफ एफ हो जाता है, एक्स ऑफ एफ का अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो तो ये मोड ऑफ एक्स ऑफ एफ हो जाता है, और ये मोड ऑफ एक्स ऑफ एफ का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, पीएचडी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो, एरिया अगर आप इसका ले लेते हो PhD का 1 upon t under this 1 upon t 0 to t x of f का square df, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज पावर, राइट, सिंपल। और इसी का वापस से अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो, इसको नहीं इसी का, यहीं पे इसका मतलब सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया x ऑफ f था, उसका मोड लिया x ऑफ मोड f है, उसका स्क्वायर किया, उसी को अपन PhD बोलते हैं, अगर अपीरियोडिक सिग्नल है तो ESD बोलते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी बोलते हैं, राइट, उसी का अगर आप एक टाइम पीरियड के बीच में अगर आप उसका एरिया निकालते हो और उसने से डिवाइड कर देते हो तो उसी को अपन बोलते हैं एवरेज पावर। अच्छा एक चीज और, इसी का अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देते हो PhD का या ESD का, PhD या ESD, राइट, अपीरियोडिक होगा तो ESD होगा और पीरियोडिक होगा तो PhD होगा, तो वो कहलाता है ऑटो कोरिलेशन, मतलब ACF ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, यानी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म PhD या ESD कहलाता है, या PhD ESD का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑटो कोरिलेशन कहलाता है।
और इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट बैंडविड्थ, यानी यूनिट है इसका वॉट पर हर्ज, वॉट पर हर्ज। बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। सो गाइस, अगर मैं नैरो बैंड एफएम की बात करूं और एक अगर मैं बात करता हूं वाइड बैंड एफएम की, तो नैरो बैंड एफएम की अगर मैं बात करूं और वाइड बैंड एफएम की बात करूं, तो समझिएगा नैरो बैंड एफएम का मतलब होता है बीटा इज लेस देन वन। यानी अगर अगर आपके पास बीटा की वैल्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन वन है, तो वो आएगा नैरो बैंड एफएम में। और यही चीज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो ये आएगा वाइड बैंड एफएम। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बार्क 2022 की क्लासेस कब से शुरू हो रही है। अमित वर्मा जी, 27 फरवरी से शुरू होने वाले, 27 से, इसी 27 से स्टार्ट करने वाले बार्क और एचएल का, राइट। बार्क और एचएल का जो है वो अभी से शुरू होने वाला है। अगर वो इक्वेशन पूछ ले, तो इक्वेशन नैरो बैंड एफएम का आप सीधा इक्वेशन लिख सकते हो जनरलाइज फॉर्म में कि सर एसी कॉस 2πfct माइनस एसी बीटा बाय 2 कॉस 2πfc माइनस fmt प्लस एसी बीटा बाय 2 कॉस 2πfc प्लस fmt। ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और ये भी पूछा जा सकता है, दोनों में से सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, तो वाइड बैंड एफएम यूज होता है। क्यों? क्योंकि सर नैरो बैंड एफएम की एक्सप्रेशन तो सेम एएम की तरह ही है, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज करते नहीं है। अगर करना ही है तो एएम यूज कर लो, क्योंकि डीमोडुलेटर एएम का सबसे सिंपलेस्ट डीमोडुलेटर, राइट। ओके, और वाइड बैंड की अगर इक्वेशन पूछ लिया जाए, तो यह बन गया आपके पास एसी समीशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जे एन बीटा इंटू कॉस 2πfc प्लस nfmt। ये आपके पास वाइड बैंड का हो गया, राइट। इसी में कितनी बार आपसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर भी पूछ लेता है, मिक्सर में और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आपसे पूछेगा, राइट। बैलेंस मॉड्यूलेटर और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर दोनों एक ही होता है कि अलग अलग होता है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है छोटी छोटी। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, SSV में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सी कंसेप्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए पूछा जाता है, और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, दोस्तों, राइट। और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वो क्वेश्चन ये है आपके पास सामने कि व्हाई नैंड गेट और नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक। क्यों बोलते हो भाई नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक? क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट से हम दुनिया के जितने भी लॉजिक हैं उन सबको बना लेते हैं। जब भी कभी किसी एक चीज से अगर आप दुनिया की सारी चीजें बना सकते हो, तो उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। एक मार्कर से अगर आप दुनिया के सारे मार्कर बना सकते हो, तो वो यूनिवर्सल मार्कर बन जाता है। एक फ्लिपफ्लॉप से अगर आप दुनिया के सारे फ्लिपफ्लॉप बना सकते हो, तो वो यूनिवर्सल फ्लिपफ्लॉप बन जाता है। यस सूरज जी, डेफिनेटली, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपको अगर नोट गेट बनाना है, तो ये आपने नोट गेट बना दिया नैंड गेट से, VCC, और ये कर दिया A, ये बन गया A बार। अगर आपको एंड गेट बनाना है, ये A, ये B, VCC, ये आपके पास AB बन जाएगा, राइट। अगर आपके पास और गेट बनाना है, तो और गेट आपके पास बन जाएगा ऐसा नैंड गेट से, ये ए है, ये बी है, ये बन गया आपके पास ए और इन बी। और वैसे भी अगर आपने AOI बना दिया, एंड बना दिया, और बना दिया, इन्वर्टर बना दिया, AOI, तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है दुनिया के कोई भी लॉजिक का। जितने भी आपके पास लॉजिक होते हैं वो इसी से मिलकर बने होते हैं, AOI से। और अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन से अगर आप AOI बना लो, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन भी अपने आप में यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते, राइट। ओके, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालॉग सिग्नल इज बेटर और डिजिटल सिग्नल एंड व्हाई। कैन एनीबॉडी गिव एन आंसर? एनालॉग सिग्नल इज बेटर और डिजिटल सिग्नल बेटर? कौन सा सिग्नल बेटर होता है? गुड इवनिंग पवन। सो गाइस, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्टली आपको भावुक नहीं होना है कि सर डिजिटल क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नल ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल विल प्रोवाइड मच मोर नॉइज फ्री एनवायरमेंट और नॉइज सप्रेशन एनवायरमेंट, राइट। तो डिजिटल सिग्नल ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। नहीं,
इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी अभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसने ये क्वेश्चन में नहीं बताया कि आप यूज कहां करने वाले हो, राइट। अरे ऐश्वर्या सर, हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद। ओके, सो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल बेटर है कि डिजिटल सिग्नल बेटर है, आप विदाउट एप्लीकेशन वी आर नॉट एबल टू कमेंट कि वेदर द एनालॉग सिग्नल इज बेटर और डिजिटल सिग्नल इज बेटर। अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करूंगा या बहुत ज्यादा नॉइजी चैनल है वहां की मैं बात करूंगा, तो वहां पर मैं डिजिटल सिग्नल को प्रीफर करूंगा। बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस अगर कम्युनिकेशन, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मेरे एक दोस्त राइट ऐश्वर्य सर मेरे सामने खड़े और हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या हम दोनों आपस में डिजिटल सिग्नल से बात करेंगे क्या? मेरे मुंह के आगे मैं एनालॉग लगा दूं, एक कन्वर्टर लगा दूंगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर वो डिजिटल में 0101 बन के उनके कान के पास जाएगा, उनका कान में डिकोडर, अरे इतना तामझाम थोड़ी करेंगे भाई, एनालॉग बोलेंगे एनालॉग समझेंगे वो। इसका मतलब ये तो पूरा डिपेंड करेगा ना कि हम किस तरीके के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहां पर कम्युनिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर टोटल डिपेंड करेगा कि विच सिग्नल इज बेटर। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा अपने कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस तरीके की चीजों का आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक करना, इट विल डिपेंड्स अपॉन द यूजेस। यस डेफिनेटली देवांश, आप डिजिटल पढ़ाते हो डिजिटल बेटर होगा, मजे ले रहे हैं सर। अच्छा, सो गाइस, ये मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं एमटेक के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं दोस्तों, कि अगर आपके मार्क्स अराउंड 40 या उससे लेस है ईसी के लिए, स्पेसिफिकली ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए, और अगर आपका सपना है कि एमटेक करना, अब देखो जॉब वॉब की तो अपन बात कर नहीं सकते, 40 पे किसी भी पीएससी से कॉल नहीं आएगा, अपने दिल को सांत्वना दे के बैठ जाना कि 40 नंबर से कम है तो पीएससी से कॉल नहीं आएगा। अब ये मत पूछना कि सर पीएससी में ही जाना है, सर क्या करूं, पीएससी में जाना है तो कुछ पीएससी जिनके खुद के पेपर है वो लिखिए, सर गेट के थ्रू ही जाना है तो अगला गेट लिखिए, राइट। अदरवाइज अगर इसके अलावा अगर किसी का ड्रीम है कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं बट मेरे को एमटेक ही करना है, तो सर मैं कैसे एमटेक करूं, और तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन लेके आने वाला हूं कि अगर आपके कम मार्क्स में भी है तो आपके ड्रीम क्या आईआईटी में पहुंचा जा सकता है क्या, और कुछ ऐसे लिस्ट भी लेके आऊंगा जिन स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम थे जो आईआईटी में उन्होंने एडमिशन लिया, बट नॉट इन टू द वीएलएसआई, नॉट इन टू द कोर ब्रांच, वहां पर कुछ ब्रांच के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर उसका रिजल्ट यह रहा कि आईआईटी मिल भी गया, लोड भी नहीं आया, और उस बच्चे ने अगले साल गेट की अच्छी रैंक निकालकर पीएसयू की जॉब ले ली। तो कितनी बार होने वाला ये सेशन, राइट, कब लोगे सर? बहुत जल्दी, राइट, मे बी इन दिस वीक ओनली, राइट। एमटीएफ डॉपिंग फॉर द एलटीआई क्वेश्चन इन द ईसी, यार एलटीआई का जो क्वेश्चन है ना सिग्नल एंड सिस्टम वाला जो क्वेश्चन, साइन वाले की बात कर रहे हो क्या पवन? आर यू टॉकिंग अबाउट द साइन क्वेश्चन? वो मुझे नहीं लगता कि वो एमटीए मिलेगा, बट फिर भी लेट चेक क्या होना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन की बात करते हो तो साइन माइनस टी को साइन माइनस साइन टी लिख दोगे तो वो आपके पास हमेशा लीनियर ही बन जाएगा सिस्टम। आप ये बोल रहे हो ना कि अगर मैंने साइन माइनस टी लिया है और साइन माइनस थीटा इक्वल टू, अगर आप खाली माइनस साइन टी लेके करोगे तो ये आपको लीनियर नजर आएगा, मतलब टाइम वेरिएंट नजर आएगा, टाइम इन वेरिएंट, और अगर आप माइनस साइन टी लिख देते हो तो ये आपके पास टाइम वेरिएंट हो, टाइम इन वेरिएंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था, पर इनपुट उसने साइन ही लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी आपको एमटीए मिलेगा, क्योंकि साइन को मानकर ही आपको चेंज करना है, साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन ही टी होगा, तो वो टाइम इनवेरिएंट ही लिखना है, उसको आप टाइम वेरिएंट नहीं मान सकते। और उस टाइम जब मैंने इसको क्लास में करवाया भी था, जब ये क्वेश्चन करवाया था, तो उस टाइम क्योंकि क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था तो उस टाइम ये मेंशन नहीं था कि स्ट्रिक्टली साइन ही इनपुट है, एक्सटी इनपुट दे दिया था, आउटटी दिया था, साइन के लिए क्या करना है, तो वो उसके लिए अपन कुछ कह नहीं सकते। यस इट्स राइट क्वेश्चन, फ्री मार्क्स, बिल्कुल ठीक ही लग रहा है बिल्कुल आज तो संभल, बट सर उस हिसाब से स्क्वायर लॉ भी एलटीआई अगर यू ऑफ टी इनपुट लिंक देंगे तो, नहीं नहीं, अगर स्क्वायर होता ना साइन स्क्वायर टी है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर टी बन रहा है, साइन स्क्वायर टी की अगर मैं बात करता हूं तो देखो साइन स्क्वायर टी की अगर मैं बात करता हूं तो ये वैसे ही नॉन लीनियर है, ये तो ऐसे भी नॉन लीनियर है, और अगर 1 + sin 2t अपॉन 2 करके अगर आप करते हो तब भी ये नॉन लीनियर है, यहां से पता चल जाता है और यहां से आप वैसे भी आपको पता चल जाता है तो नॉन लीनियर ही है, तो नॉन लीनियर ही है, ठीक।
इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं देख लूंगा हालांकि, बट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर नॉन लीनियर ही आएगा ये सिस्टम, साइन स्क्वायर टी जो है वो नॉन लीनियर सिस्टम में ही आएगा। तो ये मेरे ख्याल से अगर वो आईआईटी के आंसर की एक बार चेक कर लो, अगर नॉन लीनियर दिया गया है तो ठीक है, अगर इसको लीनियर मान लिया गया तो फिर वो गड़बड़ हो गया खेल, राइट। ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन। यस यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इनटू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मे बी, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वन सेशन ऑफ द बार्क एज वेल एज फॉर द एचएल सेशन इन वेरी मच ऑफ, यू कैन से दैट द फुल ऑफ द कंटेंट, सो दैट द एवरी वन कैन फुलफिल दियर ड्रीम्स, राइट। आप लोगों के सपने को ले जाने के लिए दोस्तों बस आपको एक ही काम करना है, हमारा हाथ थाम के रखना है, राइट, और आपके ड्रीम तक पहुंचाने की गारंटी हमारी है। सो थैंक यू एवरी वन, टेक केयर, बाय बाय।